आप सबको श्री गुरु रविदास जी के जन्म दिवस और प्रमुख जयंती और गुरुकुल कह लिए कि बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको इस प्रयास के भी बहुत बधाई है कि आपने जो सेमिनार करवाया है, इसका जो संदेश है ये सारे विश्व में जाएगा। तो एक तीसरी बात यह है कि जो ब्रिटिश रविदासिया फाउंडेशन जो काम कर रही है वो भी बहुत ही उत्तम काम है, और खास करके जो उनकी वाणी की जो यूनिवर्सैलिटी है उसको, ये सर्वव्यापकता है जो उसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं कहूँगा कि श्री गुरु रविदास जी की जो वाणी है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब का अभिन्न अटुट अंग, जिसको अंग्रेजी में हम कहेंगे इंटेग्रल पार्ट। तो जो भी संकल्प कॉन्सेप्ट्स और जो प्रिंसिपल्स आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं वो सब ही रविदास जी की वाणी में भी मिलते हैं। तो जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है ये कन्फ्लुएंस है, ये सुमेल है तीन धाराओं का, उसमें भक्ति मत है, गुरुमत है और सूफी मत। तो जो भक्ति मत है, मेरा ये मानना है कि रविदास जी और जो कबीर जी है उसकी जो फाउंडेशन उन्होंने बनाई ये आधार है। तो जाहिर है कि ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो श्री गुरु ग्रंथ साहब का पार्ट है, तो इंटेग्रल पार्ट है। तो अगली बात जो है यूनिवर्सैलिटी की है कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं ये सिर्फ सिखों के ग्रंथ नहीं है, ये मानवता के कल्याण के ग्रंथ है। तो जाहिर है कि जो रविदास जी की वाणी है वो भी किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, ये समुच्चित मानवता के कल्याण की वाणी है। तो इसी रूप में ही इसको दुनिया में फैलाया जाए। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के जो मैं कहता हूं कि दो थम हैं, पिलर्स, तो एक है यूनिवर्सल कंसर्न और दूसरा है यूनिवर्सल वेलफेयर। सबके चिंता और सर्वत का भला, तो ये दोनों एलिमेंट जो है ये रविदास जी की वाणी में हमें साफ स्पष्ट नजर आते हैं। तो जो सेंट्रल थीम है, जो केंद्रीय विषय है गुरु ग्रंथ साहब का, वो है मनमुख को गुरुमुख बनाना। तो मनमुख कौन है? जो अपने मन से सेध ले जाता है, जिसका मुख अपने मन के अंदर। तो हमने क्या करना है कि उसको गुरुमुख बनाने के लिए उसका मुख गुरु की तरफ करना है। तो गुरु क्या है? दो शब्दों से बना हुआ, भूत और रूप, रूप संस्कृत के शब्द, भू का अंधकार और रूप का मतलब चानन है। तो अंधकार से चानन में ले आने वाला गुरु है। तो गुरु रविदास जी हमें अंधकार से चानन में, ज्ञान के चानन में लेके आ रहे हैं। तो उनके जो तीन जो प्रिंसिपल्स है, जो फाउंडिंग, कीर्त करो, नाम जपो और वंड जपो, सबसे ज्यादा तो हम गुरु रविदास जी को देख रहे हैं कि कीर्त भी कर रहे हैं और नाम भी जप रहे हैं। और नाम जपने का मतलब है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, रूहानी जागरता है, रूहानी चेतना जगाना है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। और तीसरी बात जो है वंड जपो है, ठीक है कि हम जो मटीरियल वेल्थ है उसको तो बांट के छक रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता सिद्धांत। तो जो स्पिरिचुअल वेल्थ भी है वो भी बांटनी पड़ेगी। बांट के छकना सिर्फ खाने का या मटेरियल चीजों का नहीं है। तो इसलिए जो है, तो जो भगत जी जो हैं, गुरु जी हैं, वो प्रेमा भक्ति, जो बांटने का मतलब शेयरिंग है, तो उसका मतलब प्रेम है। तो हमें उनकी वाणी में जो प्रेमा भक्ति मिलती है ये भी जो है ये बांटने का ही सिद्धांत है कि वो स्पिरिचुअल वेल्थ जो है बांट रहे हैं। और
इसमें जो उन्होंने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का जो हमें मार्ग बताया है, तो वो निर्गुण और सरगुण के जो संकल्प है उसको समझना पड़ेगा। कि पहले जो थे ये बांटे हुए थे, कुछ संत जो है सरगुण के उपासक थे, कुछ निर्गुण के उपासक थे। तो रविदास जी हमें बताते हैं कि निर्गुण और सरगुण में भेद नहीं है। निर्गुण जो है जिसको आप इंग्लिश में कह दे ट्रांसेंडेंट, और जो सरगुण है इमानेंट जो प्रत्यक्ष है। तो एक कुदरत है, एक कादर है, क्रिएटर एंड क्रिएशन। तो क्रिएटर निर्गुण है, क्रिएशन सरगुण है। तो ये दो अलग सच्चाइयां नहीं है। जो कादर है कुदरत में ही बसता है, ये हमें बता रहे हैं। ये तो निर्गुण और सरगुण का जो भेद है वो रविदास जी मिटा रहे हैं कि दोनों ही एक ही सच्चाई है दोनों। तो जब ये भेद मिट जाता है तो क्या होता है कि सहज अवस्था में जाता है। तो रविदास जी हमें सहज अवस्था में ले जाने के लिए, तो सहज अवस्था क्या है? इसको हम तुरिया भी कहते हैं, चौथी अवस्था भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि तीन जो गुण हैं, तीन अवस्थाएं हैं, उनसे ऊपर उठ जाना। तो तीन गुण कौन से है? रजो तमो सतो। तो ये जो रजो तमो सतो कहां से नाम आते हैं? ये रंगों से। रजो का मतलब है लाल, सतो का मतलब है सफेद व्हाइट, और तमस का मतलब काला। तो जो जाति भेद है ये इन रंगों से ही है, तीनों गुणों से है। क्योंकि जाते ही इसी तरह बनी है कि जो सफेद है वो है ब्राह्मण, जो लाल रंग है ये क्षत्रियों का रंग है, और जो काला रंग है ये शूद्रों को दिया हुआ है, और जो वैश्य है उनमें दोनों के गुण है, उनमें रजोगुण भी है और उनको तामस गुण भी है, उनको हम वैश्य कहते हैं। तो ये सोसाइटी को डिवाइड, गुणों ने डिवाइड किया है। अगर कोई सहज अवस्था में पहुंच जाएगा तो अपने आप इस चक्कर से निकल जाएगा। तो जो फुल्ली एनलाइटेड पर्सन है, जो पूरा स्पिरिचुअली एनलाइटेड पर्सन है, जो हमें रविदास जी बनने को कह रहे हैं, तो अपने आप जाति भेद जो खत्म हो जाएगा। तो जाति भेद कहाँ है? मन में, और शरीर और मन में है। जो आत्मा है उसका कोई रंग नहीं है। तो जब आप चेतन पूर्ण तौर से चेतन मनुष्य बनते हैं तो अपने आप जाति भेद जो है खत्म हो जाता है। तो आज जो है हम कहते हैं कि जो आज के संसार के लिए, आज के विश्व के लिए, आज के मानव के लिए जो रविदास जी की वाणी है उसकी क्या सार्थकता है, क्या रेलेवेंस है, ये हमें दिखाने की जरूरत है दुनिया। पहले तो हम समझे कि आज की समस्याएं क्या है, विश्व की क्या समस्याएं हैं और आज के मनुष्य की क्या समस्या है। तो मैं ब्रीफ में बहुत संक्षेप में आपसे बात करूंगा कि अगर ये, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का, विश्वीकरण का दौर है, युग है, तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो विश्वीकरण है, ये ग्लोबलाइजेशन है, ये सिर्फ आर्थिक ही ग्लोबलाइजेशन है, आर्थिक विश्वीकरण, इसमें नैतिकता नहीं है। देयर इज नो एथिकल एस्पेक्ट इन दिस ग्लोबलाइजेशन, ये सबसे कमजोरी है इसको। दूसरी कमजोरी क्या है कि दिस इज ए ग्लोबलाइजेशन विदाउट ए ग्लोबल परस्पेक्टिव। ये विश्वीकरण तो है लेकिन विश्व दृष्टि नहीं, सब अपना अपना। आप देख ले अभी जो चल रहा है यूक्रेन में, आप देख सकते हैं जो इस विश्वीकरण का जो सबसे अनलाना हुआ अनडिक्लेयर्ड लीडर है अमेरिका, उसका भूमिका देखे को जानबूझ के, और यूक्रेन में यूक्रेन वाले भी कहते हैं नहीं नहीं लड़ाई होने वाली, नहीं नहीं अभी लड़ाई होने वाली, वो लड़ा रहे। ये को दुनिया का भला नहीं सोच रहे, लड़ाना विश्व युद्ध में जानबूझ के धकेल रहे, और इधर हमें धकेल रहे, हमें चाइना से लड़ा रहे। तो ये अमेरिका क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये विश्वीकरण क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ अपना हित देख रहे हैं, सारे विश्व का नहीं देखते। गुरु रविदास जी तो सारे ब्रह्मांड का देखते हैं, वो किसी एक वर्ग का, एक देश का, एक इलाके का नहीं। आपने देखा कि वो बनारस से हो लेकिन पंजाब में उनको जो
मानता दी है पंजाब ने सबसे ज्यादा दी है, कि सबसे मान बड़ी मानता हम क्या दे सकते थे कि उनको हमने गुरु ग्रंथ साहब में जो है स्थान दिया। तो ये सबसे जो हम दे सकते थे हमने उनको दिया। तो ये एक तो ये है विश्व की समस्या। दूसरी मानव की समस्या क्या है कि आज का जो मानव है वो जो है टूट चुका है, एलिनेशन है, कि उसको वो कुदरत से टूट गया है, समाज से टूट गया है, अपने परिवार से टूट गया है और खुद अपने आप से टूट गया है। अंग्रेजी में जिसे सेल्फ एलिनेशन है। तो ये क्यों हुआ ऐसे, कहां से ये समस्या में उपज रही है? तो जो जो विकास का मॉडल है वो ही गलत है, जो कैपिटलिस्ट मॉडल है कि इसमें गलती तो उसमें है जिसने ये किया। कि उसने क्या किया कि इसमें क्या कमी है, ये एंटी नेचर है और एंटी पीपल है, ये कुदरत विरोधी और लोक विरोधी मॉडल है, उसी से सब समस्याएं पैदा हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, उपाय क्या है? कि हमें कुदरत से जुड़ना होगा, हमें लोगों से जुड़ना होगा। ऐसा एक मॉडल चाहिए जो प्रो पीपल है और प्रो नेचर। तो ये है वो मॉडल जो गुरु ग्रंथ साहब में है, जिसको अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। तो विकास का बदलवा जो नमूना है तो वो है हलेमी राज, बेनेवोलेंट स्टेट, वेलफेयर स्टेट। तो ये कॉन्सेप्ट गुरु ग्रंथ साहब में है, जो प्रो पीपल और प्रो नेचर जो डेवलपमेंट का अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को अगर कंक्रीट किसी ने रूप दिया है, किसी ने शेप दी है, इसका वो रविदास जी हैं, जो बेगमपुरा है, बेगमपुरा गमों के बिना जो शहर है, सिटी विदाउट सॉरो। तो ये है उनका जो संकल्प है। तो जो आज के मानव की समस्या है, जो आज के विश्व की समस्या है, इस बेगमपुर सबके जो जो उनका समाधान है, तो ये है दुनिया को बताने की जरूरत कि ये बेगमपुर का जो कॉन्सेप्ट है असल में ये अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का कंक्रीट शेप है। ये काल्पनिक नहीं है बल्कि एक मॉडल जो प्रैक्टिकल दिया गया है उन्होंने। तो जो आज की जो समस्याएं हैं मानव की, उसमें मैं कहूंगा तीन है, हम सब तीन समस्याएं फेस कर रहे हैं। मैं कहता हूं फियर, एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी। हम भयभीत हैं, हम चिंतित हैं और हम असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये तीन है हर सारे दुनिया के मानवों की समस्या, और ये तीनों ही रविदास जी अपने बेगमपुर में सॉल्व कर देते हैं। तो मैं इसी से बात जो है कि क्या है उसमें वो आपको कोट करके तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि बेगमपुरा शहर का नाम दुख अंधो नहीं देखा, कि उस बेगमपुरे में बसने वालों को ना तो कोई एंग्जाइटी है, ना फियर है, ना वो इनसिक्योर फील करते हैं। तो ये है कि सारा जो भाईचारे का जो संकल्प है, मानवीय भाईचारे का संकल्प है, बराबरता का जो संकल्प है, सोशल इक्वालिटी जस्टिस का जो संकल्प है, जो राज होना चाहिए। तो जो गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि राजे झूले न्याय की, कि जस्टिस होना चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए, ये गुरु ग्रंथ साहब का जो संकल्प है, ये बेगमपुरे में रविदास जी आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे हो सकता है कि इस शहर में बसने वाले जो है सब वो त्यों त्यों सहल करें जो पाए, तो पर महल ना को अटकाए। तो एक उसमें तो सारे जो हम बसने वाले हैं वो स्ट्रॉलिंग जो खूब सैर बिना चिंता के, बिना किसी भय के हम सैर कर रहे हैं, उसे कोई हमें कोई किसी किस्म की चिंता नहीं, कोई डर नहीं, और हम सब एक दूसरे से प्यार में से रहते हैं। यही एक दुनिया को मॉडल आज हमें दिखाने की जरूरत है, और यही जो हमने रविदास जी का जो संदेश है दुनिया में, ये बेगम कुबरे का, वही हमने जो देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
शिवराज सिंह साहब सॉरी, ऐसा लगता है चिंतन से कहां तक पहुंच सकते हैं। ये व्याख्यान तो अध्यक्षीय भाषण में केवल 7-8 मिनट का था, लेकिन चिंतन सोचेंगे तो शायद लगता है कि 60-70-80 दशक का होगा। और इसको अगर हम थोड़े से और बड़े रूप से देखें तो रविदास जी की हम 645वीं जयंती मना रहे हैं, तो ये 645 वर्षों का चिंतन है। और रविदास जी भी कहीं ना कहीं से तो अपने चिंतन में बहुत कुछ लेके आएंगे, तो ये 2500 साल तक भी जा सकता है जहाँ तथागत गौतम बुद्ध हैं, और शायद उससे पहले भी जो भारत की सभ्यता है। तो यानी ये हम लोग का चिंतन एक बहुत लंबा है। और जो मैं सोच पा रहा था कि मेरा गांव 100 लोगों का गांव बेगमपुरा, उसकी परिकल्पना अगर आज देखते हैं तो जो गुरुजी ने देखी है, तो ये 7.5 अरब या 7 अरब जो हमारे विश्व की आबादी है आज की, पूरे मानव जगत की जो संख्या है, ये वहां तक को कवर कर रहा है। तो बेगमपुरा अगर पूरा, अगर यूएन तक को हम देखें, विश्व में जो अमेरिका कुछ करता हो या चाइना कुछ करता हो या जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो भी करते हो, उन सब में अगर ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे बेगमपुरा छा जाए, बेगमपुरा बन जाए, तो मुझे लगता है कि सब बेगम ही हो जाएगा। आपके अध्यक्ष भाषण के